हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ एट योर होम। सो आज का वीडियो होने वाला है 24 आवर्स मैगी चैलेंज। यस, आज मैं सुबह शाम दिन और रात सिर्फ और सिर्फ मैगी खाने वाली हूँ। सो मैंने सोचा है कि इस चैलेंज को बोरिंग ना बनाने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने सोचा है कि मैं सिंपल मैगी ना बनाकर, सिर्फ और सिर्फ मैगी ना बनाकर मैगी की डिशेस ट्राई करूँ, जिससे कि मुझे भी मज़ा आए खाने में। बिकॉज सिंपल मैगी खा के तो कोई भी बोर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी डिशेस ट्राई करने वाली हूँ। तो अगर आप भी सिंपल मैगी खा के बोर हो गए हो और आप चाहते हो कि मैगी का टेस्ट भी आए बट वो थोड़ी सी इनोवेटिव लगे, तो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल, प्लीज़ फॉलो मी अप देयर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस वुड बी एन अलॉट टू मी। तो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और इस टाइम मेरा ब्रेकफास्ट टाइम होता है। बिकॉज मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है और सुबह उठते ही मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। अगर आपको भी बहुत तेज़ भूख लगती है सुबह उठते ही तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी देखूं कि आप लोग मेरे जैसे हो या नहीं हो। तो अब हम सबसे पहले अपनी मैगी बना लेते हैं। तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोचा है कि मैं सिंपल मैगी बनाऊँ, बिकॉज सुबह सुबह मुझे उतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है और मैगी का वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। तो मैंने सोचा है कि मैं सुबह सिंपल मैगी बनाऊँ, देन हम लंच में या फिर डिनर में कुछ अच्छा ट्राई करेंगे। तो चलते हैं अपनी मैगी बनाने। सो गाइस, मेरी मैगी रेडी होके आ चुकी है। तो मैगी के साथ मैं ले रही हूँ चाय, एज यू कैन सी। बिकॉज मुझे सिंपल मैगी खाना बिल्कुल नहीं पसंद, प्लेन मैगी। तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो हम अपनी मैगी एंजॉय करते हैं। बहुत गर्म है। सो गाइज, एज यू कैन सी मैंने पूरी मैगी ख़त्म कर दी है, अगर आपको दिख रही होगी तो। बस मेरी चाय बाकी है, अब इसको भी फिनिश करते हैं। सो गाइज, आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट और अब मैं आपसे मिलती हूँ लंच टाइम पे। बिकॉज मुझे मम्मा के साथ अभी कहीं जाना है, बाहर जाना है हमें। मैं फटाफट से रेडी होती हूँ वहाँ जाने के लिए, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो अब मैं मिलती हूँ आप लंच टाइम पर। सो आई विल कैच यू एट माई लंच टाइम। सो गाइज़, आई एम बैक होम। जैसे कि मैंने आपको सुबह सुबह बताया था कि मुझे मम्मा के साथ कहीं जाना था और मैं वापस आ चुकी हूँ घर में। और मुझे अब बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं अभी और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैंने इस बार बनाया है मैगी पकौड़ा, जिसकी रेसिपी अब आप देखो जाके। तो कुछ इस तरह के ये बने हैं मैगी पकौड़ास और मुझे तो देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं। तो मैं आई थी ऑलमोस्ट 1 बजे के अराउंड और अब मैंने आके अपने फेस वॉश से वॉश कर लिया है और अब मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। तो फटाफट से मैं लंच कर लेती हूँ, बिकॉज बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब मैं फटाफट से खाना शुरू करती हूँ। इट्स एक्चुअली यम्मी। मतलब ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा कि मैगी के पकौड़ा हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी कि मैंने पूरी प्लेट जो है वो ख़त्म कर दी है, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सो मेरा लंच टाइम फिनिश हो गया है, मतलब मेरा लंच फिनिश हो गया है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने इवनिंग स्नैक पे। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगी, वरना मैं सीधा आपसे डिनर पे ही मिलती हूँ। सो आई विल कैच यू एट माई इवनिंग स्नैक। सो गाइज इट्स स्नैक टाइम और मैंने आपसे बोला था अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं स्नैक टाइम शूट करूँगी, मतलब स्नैक में कुछ खाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊँगी। बट मैं आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैं थोड़ी देर सो गई और अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और सुबह से मैगी खा खा के मैं पक भी चुकी हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा सा स्पाइसी सा खाऊँ, बिकॉज दिन में भी मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया था और सुबह तो खाया ही नहीं था ज़्यादा स्पाइसी। तो माई सिस्टर सजेस्टेड मी टू मेक चिल्ली हॉट गार्लिक स्पाइसी मैगी। मैंने बना ली है मैगी, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। तो कुछ इस तरीके की लग रही है एज यू कैन सी, और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। तो हम खा के देखते हैं इसको कि कैसी बनी है। बहुत ज़्यादा गर्म है। गाइस इट्स यम्मी सचमुच। वैसे मुझे गार्लिक का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता बट इसलिए मैंने डाला भी नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ प्याज और हरी मिर्च डाल के बनाई है, बस आप उसकी क्लिप देख लोगे इससे पहले। बट ये बहुत अच्छी बनी है सच में और बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। सो गाइज एज यू कैन सी कि मैंने पूरी मैगी खा ली है और मेरा पेट ऑलमोस्ट फुल हो चुका है और अब मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। अब मुझे जब भूख लगती है ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो अब मेरा पेट फुल हो गया है, तो अब तो नाउ आई एम हैप्पी नाउ। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे डिनर टाइम पर और डिनर टाइम के लिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी सोच के रखी है, तो बिल्कुल भी उसे मिस मत करना और आपको बहुत पसंद आएगी वो रेसिपी। सो आई विल कैच यू एट माई डिनर टाइम। सो गाइज इट्स डिनर टाइम और डिनर के लिए जो मैंने बनाया है वो है ये मैगी सैंडविच। एज यू कैन सी मैं थोड़ा टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको। दीज आर द मैगी सैंडविच और ये है इमली की चटनी। और मैगी सैंडविच मैं दो ही बनाई बिकॉज मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, बिकॉज मैंने शाम को ही खाई थी मैगी, तो इसमें काफ़ी सारी मैगी बच गई है। तो देखूँगी अगर मुझे भूख होगी तो मैं इसको खा लूँगी। सो हम इनको इन्जॉय करते हैं और खा लेते हैं। वैसे तो मुझे बिल्कुल भूख लगी नहीं है बिकॉज मैंने शाम को ही खाया था, बट फिर भी तो मैं इसको हल्का सा ब्रेक कर रही हूँ इस तरह से, तो इतना बड़ा था मेरे मुंह में जाएगा नहीं। या इट्स नाइस, मतलब उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ओके ओके है बिल्कुल, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और मैंने डिनर के टाइम पे ब्रेड का इसलिए बनाया बिकॉज ब्रेड हैवी होती है और मैगी भी हैवी होती है, तो मुझे जल्दी भूख नहीं लगेगी। वरना मुझे कहीं रात को भूख लगे तो मुझे मैगी खानी पड़ेगी। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि मैंने पूरा डिनर जो है अपना फिनिश कर लिया है। और आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो ये मेरा हाथ जल गया था थोड़ा सा जब मैं बेसिकली इनको सेक रही थी, पैन फ्राई कर रही थी, तो थोड़ा सा मुझे जल गया था। तो इस वजह से मैंने इस पर कोलगेट लगा लिया है ताकि ठीक हो जाए। तो मेरा डिनर जो है वो ख़त्म हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा फुल फील कर रही हूँ इस टाइम पर। बट अभी भी मेरी जो मैगी है वो बची हुई है और ट्रस्ट मी मुझे ना मैगी से इरिटेशन सी हो गई है 4 बार मैगी खा खा के, वो भी एक ही दिन में। वैसे मुझे मैगी बहुत पसंद है बट इतने दिन मतलब इतनी बार मैंने मैगी खा ली है कि अब मुझे मैगी खाने का मतलब मैं 2-3 हफ्ते तक तो बिल्कुल मैगी खाने ही नहीं वाली हो। तो अब हम खा के देखते हैं। गाइस मैं इसको नहीं खा रही हूँ, मैं रख देती हूँ इसको बट मैगी रखने के बाद ख़राब हो जाती है, कोई बात नहीं। बट अब मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है और अब मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। तो यहीं पर ये चैलेंज जो है वो एंड होता है और आई होप आपको ये चैलेंज अच्छा लगा होगा बिकॉज इसमें मैंने बहुत एफर्ट डाला है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो लोग मैगी लवर्स हैं ना बेसिकली, उनको तो ये ज़रूर शेयर करना। सो आई विल मीट यू एट माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल नोटिफिकेशन बेल होगी उसको भी ज़रूर हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उसे देख सको। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के चैलेंजेस और करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अपने आइडियाज़ भी देना कि मैं आगे कौन सा चैलेंज करूं जो 24 आवर्स के लिए हो। वैसे तो ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे चैलेंज, बट कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए वो भी करूँगी। तो बाय बाय।